कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने कुख्यात आरोपी विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराने वाली पुलिस टीम को क्लीन चिट दे दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर बी एस चौहान की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने यह भी माना है कि विकास दुबे और उसके गैंग को स्थानीय पुलिस के अलावा जिले के राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण हासिल था। विकास को अपने घर पर पुलिस छापे की जानकारी स्थानीय चौबेपुर थाने से पहले ही मिल गई थी। आपको बता दें, जांच आयोग की रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में पेश कर दी। बिकरू गांव में 2-3 जुलाई 2020 को 8 पुलिस कर्मियों की हत्या और बाद में इस हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जाँच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया था। आयोग में हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता सदस्य थे। जांच आयोग ने 132 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में पुलिस और न्यायिक सुधारों के संबंध में कई अहम सिफारिश भी की है। रिपोर्ट के साथ 665 पृष्ठों की तथ्यात्मक सामग्री भी राज्य सरकारों को सौंपी है। आपको बता दें, विकास दुबे एनकाउंटर के सभी पहलुओं की जाँच के बाद आयोग ने कहा है कि पुलिस के पक्ष और घटना से संबंधित साक्ष्यों का खंडन करने के लिए जनता या मीडिया की तरफ से कोई भी आगे नहीं आया। मृतक विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए एफिडेविट तो दिया था, लेकिन वो आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुआ। इस तरह घटना के संबंध में पुलिस के पक्ष पर संदेह नहीं किया जा सकता है। मजिस्ट्रेटरी जाँच में भी इसी तरह के निष्कर्ष सामने आए हैं। आपको बता दें, विकास दुबे गैंग को स्थानीय पुलिस और अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। स्थानीय थाने और राजस्व के अधिकारी विकास गैंग के संपर्क में थे। उसने कई तरह की सुविधाएं ले रहे थे। विकास उनके संरक्षण में ही फल फूल रहा था। उसका वर्चस्व लगातार पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते बढ़ता गया। संरक्षण के ही कारण विकास दुबे का नाम सर्किल के टॉप 10 अपराधियों की सूची में तो शामिल था, लेकिन जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में नहीं था, जबकि उस पर 64 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। गैंग के सदस्यों को पुलिस ने सांप्रदायिक मामले निपटाने के लिए बनाई गई शांति समितियों में भी शामिल कर रखा था। विकास दुबे के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की कभी निष्पक्ष जांच नहीं हुई। चार्जशीट से पहले ही गंभीर धाराएं हटा दी गई। कोर्ट में ट्रायल के दौरान गवाह मुकरते जाते रहे और विकास दुबे और उसके गैंग के सदस्यों को आसानी से जमानत मिलती रही। जमानत निरस्त करने के लिए राज्य सरकार ने कभी भी उच्च अदालत में अपील नहीं की, लेकिन अब इसका एनकाउंटर हो चुका है और उसके बाद जिन पुलिसों का नाम सामने आ रहा था उनको भी अब रिहा कर दिया गया है, यानी कि उनको अब क्लीन चिट दे दी गई है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।